बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद ने जिला मुख्यालय चंबा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी भी की। बंद करो, बंद करो, जिहादी आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदर्शन के बाद विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। इस मौके पर प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर केशव वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। आम हिंदू आक्रोशित है और इस्कॉन के मंदिर में जिस प्रकार साधुओं को घेर कर मारा उससे पूरे विश्व में गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ जघन्य अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस तरफ कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। आज विश्व हिंदू परिषद व अन्य जो हिंदू संगठन हैं उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन उपायुक्त चंबा के माध्यम से दिया जा रहा है। चंबा जिला के सभी जो हिंदूवादी संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में जो हम देख रहे हैं गत कई समय से हमारे साथ के जितने भी देश हैं चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश यहाँ पे अल्पसंख्यक वहाँ का जो हिंदू समाज है उस पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी नवरात्रों के पर्व पे वहाँ के पंडालों में वहाँ के मंदिरों को बांग्लादेश के वहाँ के जो इस्लामिक जिहादी हैं उनके द्वारा उन मंदिरों को खंडित किया गया। हिंदुओं को चुन चुन के वहाँ हत्याएं की गई। हमारी जो वहाँ के माताएं बहनें हैं उनके साथ बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। क्योंकि ये जो बांग्लादेश है इसका अस्तित्व भी इस देश के कारण हमारी सरकारों के द्वारा 1971 में आया। उससे पहले पाकिस्तान के ही वहाँ के जो आतंकवादी थे या वहाँ की सेना थी वहाँ के हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी प्रताड़ित कर रही थी। पर हमारे ही देश के सहयोग से बना वो देश आज हम ही पे वो इन्हें यहाँ के हिंदुओं के जो बहुसंख्यक समाज यहाँ का है भारत का वहाँ के जो हिंदू समाज है उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसकी हत्याएं कर रहा है। क्योंकि जब से हम देख रहे हैं जो ये अफगानिस्तान में तालिबान का एक शासन बना है उसके बाद ये सारी घटनाएं हमारे नज़दीक के जो इस्लामिक देश हैं चाहे वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो वहाँ पे बढ़ गई हैं। वहाँ पे हमारे जो 22 मंदिर हैं वहाँ पे वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, कोई लगभग 16 के करीब हिंदुओं को वहाँ मारा गया और बड़ी सारी हत्याएं हुई हैं। दुकानों की लूटपाट हिंदुओं की, उनके मकानों की लूटपाट, ऐसी बड़ी सारी घटनाएं एकदम से बढ़ी हैं। आज हम यहां पे इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि का हिंदू समाज उस बांग्लादेश के अपने अल्पसंख्यक विभू हिंदू समाज के साथ खड़ा है। वो ये ना समझे कि वो अकेले हैं। यहाँ का भारत का 135 करोड़ जो लोग हैं वो सब हिंदू समाज वहाँ के साथ खड़े हैं। वहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर सारे विश्व में ये जो अपने हिंदू धर्म की सनातन धर्म के फैलाव के लिए है वो वहाँ उस समाज में समरस होने के लिए वहाँ पे इफ्तार पार्टी भी करते थे इस्कॉन वाले, पर उनको भी बख्शा नहीं गया। उस मंदिर जहाँ के की वो सामंजस्य बनाने के लिए उस मुस्लिम समाज से अपने मंदिर में इफ्तार पार्टी भी करते थे फिर भी वहाँ के जो इस्लामिक जिहादी हैं कट्टरपंथी हैं उनको ये भी नहीं लगा कि ये हमसे तालमेल बिठाने लगे हैं। फिर भी उन्होंने इस्कॉन मंदिर को और ऐसे 22-23 मंदिर जो बड़े वहाँ के आराध्य हैं क्योंकि वहाँ हिंदू समाज काफ़ी संख्या में रहता रहा है जब ये पार्टीशन हुआ, पर अब वहाँ कुछ परसेंट लोग ही रहे हैं क्योंकि वो इतने प्रताड़ित हैं कि वो या तो हिंदुस्तान में आ रहे हैं या उनको वैसे ही कत्ल करके उनकी संख्या घटाई जा रही है। तो हमारी बांग्लादेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी ये मांग है विश्व हिंदू परिषद की कि वहाँ जो प्रताड़ित लोग हैं जो वहाँ का हिंदू समाज है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, जो वहाँ अभी ये घटनाएं हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, हमारी बेटी बहनों माओं की वहाँ सुरक्षा दी जाए और उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज वहाँ रह गया है हिंदू समाज उनको मानवाधिकार का अपने पूजा पद्धति का अपनी सब चीज़ों का करने का वैसा अधिकार दिया जाए जहाँ जो कि इस देश में सभी समाजों को मिलता है सभी धर्मों को मिलता है। ये मांग हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपनी भारत सरकार को कर रहे हैं कि ये दबाव बनाए बांग्लादेश सरकार पे कि वहाँ की हिंदुओं की
उचित सुरक्षा दी जाए। ये कार्यक्रम सारे देश में कल भी हुआ है, पर हिमाचल में क्योंकि कल छुट्टी थी, ज्ञापन दिया नहीं जा सकता था, इसलिए सारे ही हिमाचल में हर एक जिला स्तर पे आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आप सब प्रेस वालों का धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हम सब का साथ दिया है और ये आवाज़ जो है वो सरकार तक भी पहुँचे और जन जन तक पहुँचे कि यहाँ का हिंदू ये भी जागे कि हमारे साथ के देशों में क्या घटनाएं इस समाज पे हिंदुओं पे हो रही है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक कुमार की रिपोर्ट।